हेलो विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में फंक्शंस स्टार्ट किया था और फंक्शंस परिभाषित करने के बाद हमने फंक्शंस की लिमिट परिभाषित की, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने पढ़ी। तो आई होप कि आपने वो सब अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो वो सारा जो डिफरेंशिएशन है वो लिमिट्स पर ही आधारित है। इसलिए पहले लिमिट्स का कंसेप्ट दिया जाता है, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन किया जाता है, डिफरेंशिएशन को हम स्टडी करते हैं। तो हमारा यूनिट 2 चल रहा था और यूनिट 2 में हम सीमाएं पढ़ चुके थे। इसके बाद यूनिट 2 का जो 2.3 पार्ट है वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर आने से पहले हमें डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को देखना होगा और डिफरेंशिएशन के मेथड्स हमें सीखने होंगे। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पर हम आते हैं सीधा। तो डिफरेंशिएशन से पहले डिफाइन होती है टर्म एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकल गुणा। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे ही हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस पर जाइए आप। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स और वाई कोई दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, तो वाई एक्स का फंक्शन कहलाता है अगर वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है, और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे हमारा मतलब होगा वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये याद रखिए कि यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स होते हैं, चर राशियाँ होती हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज जो हैं वो बदलती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि वाई एक्स का फंक्शन है, एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर हम एक्स की वैल्यूज़ बदलते जाएं तो वाई की वैल्यू भी बदलती जाती है। ठीक है, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। अब हम कह रहे हैं एक्स की वैल्यू हम बदलते जाते हैं, वाई की वैल्यू भी बदलती जाती है, यानी कि एक्स में हम छोटा सा चेंज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक्स में परिवर्तन को हम डेल्टा एक्स से और वाई में परिवर्तन को डेल्टा वाई से व्यक्त करें, ठीक है, फिर दोनों को हम भाग लगा दें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाल लें, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जो सीमांत मान है या इसकी जो सीमा है, कैसे, एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, इसको हम वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, अवकल गुणांक का दूसरा नाम है अवकलज, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, हमारा वाई एक्स का फंक्शन है, अगर हम एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं डेल्टा एक्स, तो वाई में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा वाई अगर होता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डिफरेंशियल कोफिशियंट या डेरिवेटिव कहलाता है। किसका, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का। ठीक है, तो ये जो हमने अभी बोला उसी को हम लिख लें, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 जो हम निकालें, तो उसे हम कहते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से, और इस डी वाई अपॉन डी एक्स को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशियंट। अब वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशियंट ही निकलता है, क्यों,
क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन होता है। तो ये हमारी शुरू से डेफिनेशन में चला आ रहा है कि यदि वाई एक्स का फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने कब डिफाइन करी, जब हम शुरू से ये बोलें कि वाई एक्स का फंक्शन। तो ध्यान रखिए कि यदि वाई एक्स का फंक्शन है तो वाई का डिफरेंशियल कोफिशियंट एक्स के सापेक्ष बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की, जहाँ पर कि डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई क्या है, जैसे हमने एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज हुआ वो डेल्टा वाई हुआ। इन दोनों को डिवाइड करके इसकी जब हम लिमिट निकाल लेते हैं एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसी को हम y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या अवकलज क्या डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। अवकल गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और अवकलज को इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए जो कुछ अपन ने कहा है ऊपर, हम उसको यहाँ मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं कि यदि y x का फंक्शन है, ठीक है, तो हम x में चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें चेंज किया x में डेल्टा x जोड़ दिया, बढ़ा दिया थोड़ा सा x को, पहले तो x था इसमें थोड़ा सा बढ़ा दी क्वांटिटी, वो क्या कर दी x प्लस डेल्टा x कर दी, तो हम ये मान दें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आ गया। अब क्योंकि चेंज पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये हम इसको x प्लस डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, x में चेंज डेल्टा x, तो हमने क्या किया x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज अगर डेल्टा y माना है हमने, तो y किस तरह से बदल जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, अगर x x प्लस डेल्टा x में चेंज होता है तो माना है कि y भी y प्लस डेल्टा y में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने घटा दिया। ठीक है, इसको अगर हम एक कहें इक्वेशन, इसको अगर हम दो कहें तो दो में से एक को घटा, तो दो में से एक को घटाया तो y कट जाएगा, ये आ जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से भाग लगा, क्या किया हमने, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग लगा दिया, तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लें एस डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो दोनों तरफ लिमिट ले दी एस डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और हम कह रहे हैं यही हमारी लिमिट किसके बराबर होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो हमारा बेसिक क्या ये निकालना होता है, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो आपका क्या बन जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, क्योंकि वाई बराबर एफ एक्स है तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ बेसिकली डेरिवेटिव का सिंबल क्या हो गया, डी बाई डी एक्स। किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स वाई के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ वाई हमारा क्या है, एक्स का फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का जब हमको डेरिवेटिव निकालना हो, ये फंक्शन है इसका जब हमें डेरिवेटिव निकालना हो, ये डेरिवेटिव का सिंबल है टी और रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये वाई, ये जो है एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारा, ये होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब हम कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, उससे आपको इस डेफिनेशन को अप्लाई करना और अच्छे से आ जाए। तो देखिए, जब इस परिभाषा को जो अभी हमने पढ़ी है इसको काम में लेकर के हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं,
तो उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डेफिनेशन को काम में लेकर निकाल रहे हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है डिफरेंशियल कोफिशिएंट को निकालने की, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इस डेफिनेशन को काम में लेकर के जब डेरिवेटिव निकाला जाता है तो उसकी ये स्टेप्स हैं, जिसे कि हम क्रियाविधि या मेथड कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी फंक्शन का हमको डेरिवेटिव या अवकल गुणांक निकालना है, तो उस फंक्शन को सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रूप में लिख लीजिए। ठीक है, फिर फंक्शन में इसमें x की जगह पर x प्लस डेल्टा x और y की जगह पर y प्लस डेल्टा y रख दीजिए। हम ये मानते हैं, यहाँ ये मानते हुए कि अगर हम x में चेंज कर देंगे डेल्टा x, तो y में भी चेंज हो जाएगा डेल्टा y। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y x पर निर्भर करता है। अब इन दोनों को घटा देंगे, फिर हम घटाएंगे दोनों को तो आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। अभी पीछे हमने किया ही है, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद दोनों ओर लिमिट ले लेंगे, और ये जो हम लिमिट निकालेंगे यही हमारा क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ठीक है, तो y इसको हम क्या कहते हैं, dy अपॉन dx को, या y की जगह fx रख दें तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम कई बार f डैश x से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव निकालें, उससे आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता क्या है। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो ये जो साइन एक्स है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको मान लिया y बराबर एफ एक्स। वाई बराबर एफ एक्स जैसे ही हमने इसको माना, तो x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दिया, तो y की जगह क्या रख दें, y प्लस डेल्टा y रख दें। तो ये यहाँ साइन x था, जैसे सब जगह x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दिया, तो x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दिया, इन दोनों को घटा दिया। ये तो हमारी हो गई वन इक्वेशन, ये हमारी हो गई टू। इसमें से इसको घटाया, डेल्टा y बच गया, तो डेल्टा y बराबर क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना है, साइन x प्लस डेल्टा x, और एफ एक्स कितना है, साइन x। तो डेल्टा वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई बराबर हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन। फिर दोनों ओर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, दोनों ओर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। इसके बाद दोनों ओर लिमिट ले ली एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो देखिए, हमको इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस फंक्शन की हमको लिमिट लेनी है। कैसे लिमिट लेनी है, जबकि डेल्टा एक्स जीरो की ओर बढ़ता हो। अब अगर हम यहीं पर डेल्टा एक्स बराबर जीरो रख देते हैं, तो यहाँ क्योंकि जीरो से तो भागफल हमारा वर्जित है, तो ये तो हम कर नहीं सकते। तो हमने लिमिट्स में देखा था कि हमें क्या करना होता है, कि जो भी एक्सप्रेशन इसको अनडिफाइन कर देता है, अपरिभाषित कर देता है, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमारे लिमिट्स में यहाँ एच हुआ करता था, यहाँ पर इस समय ये डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को हम जीरो के बराबर नहीं रख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
और हम इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि डेल्टा एक्स जो है वो नीचे से ख़त्म किया जा सके। तो उसके लिए अब ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई करें। तो देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 cos C + D/2 और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये हमारा क्या है, सी डी फॉर्मूले हैं, दो साइनों के अंतर को या दो साइनों के योगफल को हम मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी, हमने ये फॉर्मूला लगाया 2 cos C + D ठीक है बटा दो, और फिर साइन, साइन माइनस साइन होता तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, तो साइन सी माइनस डी दोनों को घटा दिया, सी माइनस डी बटा दो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमारा ये यहाँ पर है ठीक है। फिर आगे बढ़े, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा 2x + Δx/2 और यहाँ से x और x कट जाएगा और क्या बच जाएगा, Δx/2 ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई किया तो cos x + Δx/2 ठीक है, और ये sin Δx/2 और ये जो 2 है इसको हम ले आए यहाँ नीचे ठीक है। अब हमने एक लिमिट की एक और थ्योरम पढ़ी थी कि दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन की लिमिट को हम कैसे हल कर सकते हैं दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के। तो यहाँ ये दो फंक्शंस, दो हमने सेपरेट कर लिए, एक तो हमारा ये हमने मान लिया sin Δx/2 / Δx/2 और ये जो दूसरा है हमारा cos x + Δx/2, तो दोनों की हमने अलग अलग लिमिट कर दी। अब इसमें हम Δx = 0 रख देते हैं अगर, तो कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ से cos x बच गया और ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है, क्या थी वो हमारी लिमिट, sin θ/θ θ tending to 0 is 1। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, मैंने आपको उधर भी क्वेश्चंस कराए थे लिमिट में भी, कि जितना यहाँ साइन है उतना ही यहाँ, यहाँ साइन अगर x है तो नीचे x होना चाहिए, x tending to 0 होना चाहिए, यहाँ अगर साइन 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए, यहाँ x tending to 0 होना चाहिए ठीक है। तो sin Δx/2 Δx/2 तो यहाँ Δx/2 होना चाहिए, लेकिन Δx/2 tending to 0 या Δx tending to 0 दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए यहाँ हम Δx tending to 0 ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा, ये लिमिट हमारी हो गई एक। तो फाइनली क्या है गया, जो लिमिट Δy/Δx है वो किसके बराबर हो गई, cos x की, लेकिन लिमिट Δy/Δx ही हमारा क्या होता है, dy/dx होता है, किंतु y बराबर हमने क्या माना था, sin x माना था। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वलेंट टू कॉस एक्स ठीक है। तो इस डेफिनेशन को काम में लेकर के हमने ये डेरिवेटिव निकाला है। ये तो ये डेरिवेटिव क्या कहेंगे हम, प्रथम सिद्धांतों से या फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैलकुलेट किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सेम डेफिनेशन को लगा करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं, वो बराबर आ जाता है माइनस साइन एक्स ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एक्स की पावर एन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, एक्स की पावर एन, इसको काम में लेकर के हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की किसी भी घात का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। तो देखिए यहाँ जो एक्स की घात है हमारी, ये कैसे भी हो सकती है, पॉजिटिव यानी कि 1, 2, 3, 4, नेगेटिव भी हो सकती है -1, -2 और ये भिन्नात्मक भी हो सकती है 3/2, 5/3 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा एन है क्यू है, और ये मैंने आपको बताया था कि क्यू मीन्स रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं हमारे, सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। कहने का मतलब है कि ये जो पावर है ये 1, 2, 3, 4 हो
तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइनस एक माइनस दो माइनस तीन हो तो भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर भिन्न में है ये पावर, भिन्न में भी ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा फंक्शन था वो क्या है, एक्स का जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको निकालना है वो क्या है, एक्स की पावर एन। सबसे पहला स्टेप है हमारा, इसको वाई मान लिया, तो हमने इसको वाई मान लिया। फिर इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखा, तो क्रॉस रेंडिंग वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई रखा, दोनों को घटा दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे डेल्टा वाई मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद दोनों तरफ डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने दोनों तरफ लिमिट लेनी है, कैसे, एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब हमने ये जो नीचे वाला डेल्टा एक्स है इसको लिख लिया, वन अपॉन डेल्टा एक्स बाहर निकाल लिया, और बाकी ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। डेल्टा एक्स तो हम यहाँ जीरो रख नहीं सकते, क्योंकि जीरो रखते फिर वही अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ सीधा बाइनोमियल इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि एन हमारा 1 2 3 4 होता है, तो बाइनोमियल लग जाती है। यहाँ बाइनोमियल लगेगी, बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। उसमें हमारा 1 + x की पावर n होता है, इसलिए हम यहाँ 1 बनाएंगे। पहले 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन लिया, अंदर से x कॉमन लिया, तो x की पावर n के साथ ये बाहर आ जाएगा, और जब यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो ये डेल्टा x अपॉन x बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर क्या है, इसमें से x कॉमन लिया, x की पावर n बाहर निकल करके आएगा, ठीक है। और माइनस ये x की पावर n तो हमारा है ही, इस पूरे में से x की पावर n कॉमन ले लिया, तो बच गया 1 + Δx / x की पावर n - 1। इसके बाद हमने ये बाइनोमियल इसमें काम में लिया, ठीक है। ये बाइनोमियल प्रसार है, ये मैंने आपको लिमिट पढ़ाते समय बताया, 1 + x की पावर n, ये बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ n पॉजिटिव नेगेटिव भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका प्रसार क्या होता है, 1 + nx + n (n-1) 2 × x² नेक्स्ट टर्म में आता है n (n-1) (n-2) 3 × x³, और इस तरह से इसमें क्या है, अनंत पद होते हैं, इन्फाइनाइट सीरीज होती है। ये कब होती है, जब ये n हमारा भिन्नात्मक ऋणात्मक यानी कि रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये प्रसार इसमें यहाँ लगाया हमने, तो ये क्या बन गया, देखो इसको खोला हमने, 1 + nx, x की जगह यहाँ पर इतना सा अंतर है बस, ये डेल्टा x अपॉन x है, +n (n-1) 2 × x² ठीक है। अगले टर्म में आ जाएगा n (n-1) (n-2) / 3 × Δx / x³, ठीक है। यानी कि डेल्टा x की पावर्स जो है आगे बढ़ती जाए। इसके बाद ये तो हमारा प्रसार आया 1 + Δx / x^n का। अब ये यहाँ एक 1 हमारा ऑलरेडी है -1, तो ये वो है -1, ठीक है। अब ये -1 और ये इस +1 से जो है वो कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, n से शुरू हो जाएगा, n (Δx / x) (n(n-1) (Δx / x²) हायर पावर्स ऑफ डेल्टा x। अब इस पूरे में से हमने एक कॉमन ले लिया, देखो Δx / x सब में से कॉमन आ रहा है, सभी टर्म पदों में से आगे से कॉमन आएगा, तो Δx / x हमने कॉमन ले दिया। कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ से तो बच गया n, यहाँ से बच गया n (n-1) 2 × Δx / x, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 2, अगले पद में पावर 3 आएगी इसकी, तो यहाँ 2 बच जाएगी, तो प्लस हायर पावर्स ऑफ Δx। अभी जो Δx हमारा नीचे था, ये Δx कट गया, ठीक है। ये x की घात n और ये x की घात 1, ये n-1 हो गई। अब हमने फिर इसमें क्या किया, बचा जो है हमें ये वापस से यहाँ ये का ये उतार लिया हमने। अब हमने इसमें Δx = 0, अब हम इसमें Δx = 0 रखेंगे तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से तो Δx ख़त्म हो गया डिनोमिनेटर में से, अब न्यूमरेटर में ही बचा है। अब यहाँ सब जगह आप Δx = 0 रख दोगे सभी पदों में आगे के में, तो यहाँ से यहाँ तक के सभी पद 0 हो जाएंगे और आपके पास खाली ये n बच जाएगा, तो nx (n-1) ये हमारा क्या हो जाएगा,
डेरिवेटिव हो जाएगा, लेकिन y हमने क्या माना है, x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बराबर एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, x की घात n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। देखो अब जैसे x की घात पाँच का हमको निकालना है, तो क्या रहेगा, पाँच एक्स पाँच माइनस वन, तो पाँच एक्स चार, ठीक है। अब x की घात वन अपॉन एक्स क्यूब, वो सॉरी डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि x की घात माइनस तीन, तो ये रहेगा माइनस तीन x की घात माइनस तीन माइनस एक, एन माइनस वन है ना, तो n बराबर हमारा कितना है माइनस तीन, तो ये रहेगा माइनस तीन एक्स की घात माइनस चार। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाए। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव, इसको हम रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर हाफ, फिर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, तो n, n बराबर कितना हो गया यहाँ एक बटा दो, तो n x n माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बटा दो में से माइनस एक घटाओगे तो माइनस एक बटा दो बच जाएगा, और ये पावर जैसे ही ऊपर है तो माइनस हाफ है, नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट एक्स बन जाएगी। इस तरह से फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम और चीज़ें सीखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में और जानेंगे।